मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे, जो दिल्ली के सबसे हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। ये रहा वो गेट, इसके अंदर देखो गाइस पेड़ भी, एक ये पेड़ अभी मैं जाना नहीं चाह रहा इसके अंदर, कुछ डरावने से पेड़ है यहाँ पर। देखो गाइस हर जगह ही दिख रहे है, हर जगह भाई बहुत ज्यादा डरावने डरावने से पेड़ है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आई होप अल्लाह के शुक्र से आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो कुछ ऐसे होने वाले गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ एक करोल बाग, एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे, जो दिल्ली के सबसे हॉन्टेड प्लेसों में से एक है, उसका नाम है भूली भटियारी का महल। तो गाइस मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि वहाँ पे एक रानी की जो है वो स्पिरिट भटकती है, जो मतलब आत्मा भटकती है उसकी वहाँ पर। तो उसकी जो स्टोरी थी वो मैंने यूट्यूब पर देखी थी, जाने से पहले मैंने यूट्यूब पर देखी, तो वहाँ पर लोग बताते हैं कि वहाँ पे दो दिन से ज़्यादा कोई गार्ड रुक नहीं पाता है। तो अभी अपन चल के तो देखेंगे है ही कि वहाँ की सच्चाई क्या है क्या नहीं है। मैंने जानकारी निकाली तो मेरे को उससे पता चला कि वो जो महल है भूली भटियारी का महल, तो वो फिरोजा तुगलक के नाम के राजा ने बनाया था अपने शिकार के लिए। तो उनकी रानी को जो महल था वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था, तो वो रानी वहीं पर रहने लग गई थी। कुछ टाइम बाद उस रानी का जो अफेयर हो गया था पता नहीं किसके साथ, तो वो राजा को पसंद नहीं आया था, राजा ने या तो अपनी रानी को मार दिया या उन रानी ने खुद सुसाइड कर ली। वो अभी आगे चलकर पता चलेगा, अभी हम वहाँ पे चलते हैं। और वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना जिससे आपको पूरी स्टोरी समझ आ पाए। चलते हैं बताता हूँ। भाई अभी तो मैं निकल गया था घर से, तो अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। अभी लगभग 1:30 बज रहा है। तो अभी मेरे साथ आए थे साथ, मेरा साथ मेरा फर्रू। अभी अपन चलते हैं, अभी फैजान को अभी आगे दिखाएंगे, देवली के कोने पे मिलेगा फैजान, उसको लेते हैं और निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 1:30 बज गया है। वहाँ पे जाते जाते भी टाइम लगेगा और वहाँ से आना भी है, अभी आपको वहाँ पे दिखाना भी है, तो चलता हूँ। बाद अभी आ गए अपन, तो पहुँच गए, ये मिल गया फैजान हमें। सलाम वालेकुम भाई। तो भाई चलते हैं, अभी सब लोग हो गए, सब लोग आ गए, ये फर्रू वो रसाद सब आ गए, तो अभी चलते हैं, बस पकड़ते हैं और निकलते हैं, आपको दिखाता हूँ आगे। अभी तो बैठ गए हम बस में और मेरे को तो मिल गई थी जगह, और ये लोग खड़े हैं यहाँ पे। भाई सीट नहीं मिल रही, इन लोग को सीट मिल गई और मैंने तो सीट कब्जा कर ली, पहले टिकट तो ले ले। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो भाई अभी यहाँ से आज बस चेंज करेंगे, अभी दूसरी बस पकड़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो भाई अभी तो धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे खड़े खड़े बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो अभी मैंने माउंटेन व्यू ले ली थी, डर के आगे जीते हैं भाई जान। भाई अभी तो फाइनली मैं बैठ गया था बस में और हमने ले लिया टिकट, अभी ये बैठे ये सारे, अभी वहाँ पे जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बस में ए सी वेसी है इस बस में, तो वो बैठे हमारे फर्रू भाई, अभी चलते हैं आपको दिखाता हूँ बाकी व्यू। Remember when you said it doesn't get better than this, only a fool to let you go. You got into my head, am I about to lose myself? Where will all of this fade? Finally अब हम उतर गए हैं बस से और हम पहुंच गए झंडे वाले। भाई भाई देखो यहाँ पे पड़ा हुआ पर्स, और ये उठा लिया साध भाई ने। पैसा ही पैसा हो गया। देख रहे हो भाई, भाई देख रहे हो बंदे कैसे कैसे पैदा रख के अब भाई। तो गाइस देखिए ये बंदे का है, देखो इसका आधार कार्ड, तो अभी इसको कॉल करके बुलाते हैं भाई, इसका कॉल करके बुलाते हैं। देखो भाई हमने फोन तो करा था पर वो भाई उठा नहीं रहा, तो हमने इस दुकान पे जो इधर पास में ही है इन भाई को दे दिया हमने पर्स। देखो ये रख दे पर्स, पर्स रख दिया चला भाई, हमने ये तो पर्स रख दिया, चलते हैं अपने लोकेशन पे, अपन भी देख रहे थे इसके लिए, तो चलते हैं आपको दिखाता हूँ। भाई अभी तो फैजान ने मेरे को भिगा दिया था, अभी अपन पी रहे थे पानी, तो ये देखो गाइस इसका क्या हाल हुआ है। धूप ज्यादा हो रही है तो ठंडा ठंडा लग रहा है, बदला पूरा लेता है तेरा भाई। नहीं भाई मजा आ रहा है, तूने सही डाला भाई, ये तो मजा आके एक बार भिगा देना भाई बंदे को, बोलती नहीं भूलेगी भाई भाई की। नहीं भाई मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, मजा आ गया, ठंडा ठंडा धूप देखो, देख रहे हो भाई पूरे भीगे पड़े हैं भाई। तो भाई अभी चलते चलते तो अभी अपन पहुंच चुके हैं हनुमान मंदिर, और अभी यहाँ से 5 मिनट का रास्ता हो रहा है, अभी यहाँ से करते हैं रोड पार सारे, फिर आपको दिखाता हूँ सीधा वहीं पर। चलते हैं अभी, चलते हैं आपको दिखाता हूँ, धूप तो बहुत ज्यादा पड़ गया हमेशा की तरह।
दिल्ली में बहुत कड़क की धूप पड़ गई, चलो चलता हूँ। तो भाई फाइनली अभी हम कर गए एंटर, तो यहाँ पे गाइस फुल सुनसान पड़ा है, आगे तक सब कुछ सुनसान पड़ा है। मेरे को तो अभी यहीं पे डर लग रहा है यहीं से ही। तो ये लोग भी चल रहे हैं अभी वहाँ पे फोटो शूट वगैरह कर रहे थे, वो लोग लोकेशन वगैरह देख रहे हैं। मेरे को तो आगे जाने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि सुनसान पड़ा है बिल्कुल ही। तो अभी देखते हैं, अभी चलते हैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी तो मैं यहाँ पर आया था तो मेरे को तो लगा कि कोई ना कोई देखने को मिल जाएगा, पर कोई भी देखने को नहीं मिला, इतनी सुनसान जगह है यहाँ पर। तो भाई अगर आप अकेले आने की सोच रहे हो तो भाई गलती से भी मत आना यहाँ पर, क्योंकि भूत का तो छोड़ो, भूत तो कुछ है नहीं, पर यहाँ पे थोड़ा वाइल्ड इलाका है, थोड़ा जंगली इलाका है, इस वजह से भी बोल रहा हूँ। और थोड़े चोर चकारी जो होती है वो भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि इस वजह से। तो भाई अभी तो हम पहुँच गए हैं भूले भटियारी का जो महल था, वो देखो गाइस बोरा गेट उसका। तो गाइस अभी चलते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ अभी क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो भाई ये रहा वो गेट, इसके अंदर देखो गाइस पेड़ भी, एक ये पेड़ अभी मैं जाना नहीं चाह रहा इसके अंदर। तो अभी देखो गाइस ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ देखो कितने डरावने वाले हैं, यहाँ पे पेड़ देखो कितने डरावने डरावने से हैं। अंदर चलने के लिए तो हमने पूछा था, पर हमारे साथ हो गया स्कैम। वो गार्ड अंकल बैठे हैं, देखो अंदर बैठे हैं गार्ड अंकल, वो अभी यहाँ से दिख नहीं रहे। तो हमारे साथ स्कैम हो गया, वो कह रहे हैं क्या कहते हैं कि यहाँ पे गेट वगैरह नहीं खुलता अभी। तो भाई हमारे संग तो हो गया स्कैम, अंकल हमें अंदर जाने नहीं दे रहे इस वजह से। तो गाइस अभी तो हमने सोचा था कि अभी अपन अंदर चलेंगे, वो रानी को ढूंढेंगे जो रानी थी उसकी, पर हम उससे मिल ही नहीं पाए क्योंकि अंदर गेट ही नहीं खोल रहे भाई। तो अभी यहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं लोग, तो अभी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। अभी हमने अंकल से पूछा था कि यहाँ पे और क्या जगह है, तो अंकल ने बोला यहाँ पे एक पार्क भी है, वहाँ पे चल के दिखाते हैं, क्या पता हमें वो रानी हमें वहाँ पर मिल जाए, क्या पता, क्योंकि यहाँ पे तो गेट बंद कर दिया, वो भी घर यहाँ पे पड़े पड़े परेशान हो गई होगी, इस वजह से वो बाहर निकली होगी, क्या पता। तो अभी हम चल के दिखाते हैं आपको। तो भाई मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, भाई यहाँ पे देखो कितनी बड़ी झील है यहाँ पर, ये शायद पुराने जमाने में भी हुआ करती थी, ये अभी बनी है, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। तो गाइस यहाँ पे खड़े होने में भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है, बिल्कुल सुनसान। वहाँ पे देखो गाइस एक घर भी है, वहाँ पर पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाई अभी तो ये लोग फोटो वोटो शूट कर रहे हैं, तो मैं चलता हूँ अभी अंदर, वहाँ पे चल के दिखाता हूँ। अभी गार्ड तो हमें जाने दे नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको दिखाना है, क्योंकि मैं ब्लॉग में तो बोल कर आया था तो दिखाना ही है कुछ। तो अभी हम वहाँ से घूमकर हमें ये रास्ता मिल गया था, तो हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही डरावने डरावने से पेड़ है, भूतिया पेड़ है। तो गाइस ये देखो यहाँ पे कपड़े वगैरह पड़े। तो भाई यहाँ पर तो ये कुछ डरावने से ही पेड़ है, यहाँ पर देखो गाइस हर जगह ही दिख रहे हैं, हर जगह भाई बहुत ज़्यादा डरावने डरावने से पेड़ है। ये देखो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ है, तो अभी चलते हैं ऊपर, ये रहा रास्ता वगैरह, ऐसा इलाका है यहाँ पर बिल्कुल। तो भाई देखो वहाँ से आवाज़ आई बिल्कुल, अभी देख दिखाता हूँ गाइस, अभी चलता हूँ जल्दी से। भाई देखो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो भाई देखो यहाँ पर ये फोटो वगैरह पड़ी है पता नहीं किस चीज़ की, और यहाँ पर पड़े कपड़े वगैरह, मेरे को तो यहाँ पे डर लग रहा है भाई। यहाँ से अभी आवाज भी आई थी, अभी अपन निकलते हैं। रन भाई, भागो 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 जल्दी, भाई भाई जल्दी भाग जल्दी। अपन भाई वहाँ से निकल गए थे, हमें लग रहा था बहुत ज्यादा डर, इस वजह से हम वहाँ से निकल गए। वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो भाई ये देख सकते हो आप, यहाँ पर भी कपड़े हैं, ये देखो यहाँ पर भी कपड़े लग रहे हैं। तो अभी सब बाहर आ गए डर के मारे, इस वजह से अभी चलते हैं घर। तो हमें लग रहा था वहाँ पे बहुत ज्यादा डर, इस वजह से हम यहाँ गए हैं बाहर, और हमें गार्ड भी अंदर नहीं जाने दे रहा था, इस वजह से कि मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो गाइस यहाँ पर तो ये मिस्ट्री रह गई, क्योंकि गार्ड अंकल बोल रहे थे कि 2 महीनों से वहाँ पे खुला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ हो गया था, इस वजह से वही उसी आत्मा ने कुछ कर दिया। मैं और फर्रू तो वहाँ से निकल गए, वो लोग जा रहे थे इंडिया गेट, और मैं हो रहा था घर के लिए लेट, इस वजह से हम वहाँ से निकल गए। अभी पकड़ते हैं मेट्रो और यहाँ से चलते हैं, दिखाता हूँ। तो भाई अभी खाते हैं छोले भटूरे, ये देखो फर्रू भाई भी है, अभी खाते छोले भटूरे फिर चलते हैं। भाई अब अपन पहुंच गए झंडे वाले मेट्रो स्टेशन, देखो भाई अभी मैं चल रहा हूँ ऊपर, ये देखो पूरी मेट्रो का ये रास्ता खाली पड़ा हुआ है। अभी मैं फर्रू देखो वहाँ पे पहले से पहुँचा पड़ा है। शाबाश बेटा,
अभी चलते हैं ऊपर। Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool to let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? फाइनली अब हम पहुंच गए हैं साकेत। अब यहाँ से लेते हैं ऑटो और आपको दिखाऊंगा सीधा घर पर चलता हूँ। तो भाई अब जाकर मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली घर। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और जिससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।